गौरव इंडिया में आपका स्वागत है। तो मैं भी आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ये क्या सेल्टोस है मॉडल, इसका बेस मॉडल है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन हो रही है, तो अभी आपको मैं इसकी जो डिटेल है, जो भी इसमें काम कराया जा रहा है, वो तिवारी सर है। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार। तो इसमें बताइए सर, इसमें क्या क्या काम कर रहे हैं आप? एक तो हमने ये फॉग लाइट लगा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर ये आइस क्यूब वाली। अच्छा, इसमें बेस मॉडल में तो आती नहीं है कोई, है ना? ठीक है ठीक है। इसके बाद हमने HID लगाया इसका। अच्छा, HID ठीक है, जिम्मर का। अच्छा, ब्लास्टर है इसका? हाँ, ब्लास्टर कैनवस। ओके ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, इसकी वारंटी एक साल की है? एक साल की। और कितने केल्विन में? ये 6000 केल्विन। 6000 केल्विन में। अच्छा ठीक है, और क्या काम कर रहा कराया आपने? आपका सिस्टम लगाया। अच्छा, सिस्टम लगाया इसके अंदर आपने, स्मार्ट सोनिक का एंड्रॉयड सिस्टम लगाया है। अच्छा, तो ये इसकी लुक मतलब कंपनी वाली है या कंपनी से अलग वाली है? कंपनी वाले लुक है। अच्छा, वारंटी कितनी है इसकी? एक साल की। अच्छा, परफॉर्मेंस बढ़िया? बढ़िया, टॉप टॉप। अच्छा, और इंटीरियर में आपने क्या क्या काम किया तिवारी जी? इसके इंटीरियर में आपका फ्लोरिंग। अच्छा, फ्लोरिंग की गई है। अच्छा, फ्लोरिंग का क्या बेनिफिट है वैसे तिवारी जी, बताइए एक बार हमारी ऑडियंस को। ये दिक्कत होता है, जैसे बच्चे बैठते हैं गाड़ी में। अच्छा, ये बच्चे कोल्ड ड्रिंक गिर देते हैं या पानी गिर देते हैं, इसमें क्या है, आपका कारपेट गंदा नहीं होगा, बदबू नहीं आएगी। फ्लोरिंग में गिरने के बाद क्या होता है, साफ कर दीजिए कपड़े से, साफ हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। और फ्लोरिंग के ऊपर ये कौन सी वाली मैट डलाई गई है? ये है 4D। 4D मैट्स है। अच्छा ठीक है, और क्या काम है इंटीरियर में? स्टीयरिंग कॉर्ड लग गई है। अच्छा, स्टीयरिंग है अभी, मतलब रैप होगा ना अभी? अभी तो सिंपल है एकदम, है ना? सिंपल है ये। अच्छा, तो फ्रेंड्स अभी इसमें जो काम होगा वो OEM वाला होगा ना, जेन्युइन वाला, कंपनी वाला? तो अभी जो इसमें काम होगा स्टीयरिंग रैप को, वो भी मैं आपको लुक चेकआउट कराऊंगा, अभी काम स्टार्ट होने वाला है, तो अभी आप वीडियो में बने रहिएगा। और बैग में भी है कुछ काम? हो चुका है, कैमरा लग रहा है, बाकी रूफ। अच्छा अच्छा, रूफ रेल इसके अंदर आती नहीं है इस वाले मॉडल के अंदर। तो फ्रेंड्स ये बेस मॉडल है जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इसके अंदर बेस मॉडल के अंदर आपको रूफ रेल नहीं मिलती है, तो इसमें अलग से ये आफ्टर मार्केट ये रूफ रेल लगाई गई है इस मॉडल के अंदर। और क्या क्या काम करा है? छोटी सी रिफ्लेक्टर लग रही है। अच्छा, रिफ्लेक्टर लगाया जा रहा है। हाँ। तो फ्रेंड्स अभी इसमें आप देख सकते हैं लाइट भी अभी इसमें निकाली गई है। अभी लाइट कौन सी वाली लगाई जा रही है इसके अंदर, ये रियर में? अभी आ रही है मैट्रिक्स में लगेगी रिफ्लेक्टर। मैट्रिक्स में तो रिफ्लेक्टर लगेगा, और यहाँ पे ये टेल लाइट, ये तो ओरिजिनल रहेगी, ये ओरिजिनल ही रहेगी। तो ये मतलब ये निकाली गई क्यों गई है? वायरिंग के लिए कपलर टू कपलर होगा। अच्छा, वायरिंग के लिए कपलर टू कपलर। हम वायरिंग कटिंग नहीं करते हैं। अच्छा, वायरिंग कटिंग नहीं करते, कपलर टू कपलर होगा। अच्छा अच्छा, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा ये वही है भैया तिवारी जी, जो अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले क्रेटा की, वो सॉरी सेल्टोस की वीडियो दिखाई थी, तो सर ने ही सारा काम किया था उसके अंदर, बिल्कुल कपलर टू कपलर विदाउट वायरिंग कटिंग के। कोई भी मतलब डाउट कन्फ्यूजन मत रखना, अगर आपको काम कराना है तो मैं भैया सर का इनका नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो भी आप देख सकते हैं काम तो अभी चल ही रहा है गाड़ी के अंदर। जो भी अभी इसकी फाइनल लुक आएगी वो मैं आपको इसके वीडियो में आपको शेयर करूंगा आपसे। अभी आप देख सकते हैं अभी इसमें ये रिफ्लेक्टर का काम स्टार्ट हो चुका है। प्रकाश भैया हैं, ये रिफ्लेक्टर का काम कर रहे हैं, HID का भी काम इन्होंने ही करा है। तो अच्छा, इसमें जो ये रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं भैया, इसमें कोई वायरिंग का तो कोई इशू नहीं आता, वायरिंग कटिंग का कुछ? अच्छा, तो इसका कपलर कैसे बनाया जाता है? तो मतलब कपलर आता है इसका, मतलब ये जब जो ये लेते हैं? अच्छा, बनाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, मतलब फिर वायरिंग का कोई इशू नहीं आएगा बिल्कुल भी कटिंग का? और इसका कनेक्शन कहाँ से देते हो आप? टेल लाइट से। अच्छा, इसके जो टेल लाइट का कपलर है तो यहाँ से इसका वायरिंग इससे अटैच हो जाएगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो टेल लाइट का कपलर है, आप लुक चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो मैं आपको ये क्या सेल्टोस की वीडियो दिखा रहा था, आपको दिखाया था इसमें जो एंड्रॉयड सिस्टम इंस्टॉल कराया गया है, तो जो इसका कंपनी वाला है ओरिजिनल वाला, वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है। आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके का रहने वाला है। तो फ्रेंड्स इसको मतलब रिमूव कराया है सर ने, जिनकी गाड़ी है, तो आपको मैंने दिखाई दिया था वीडियो में जो एंड्रॉयड सिस्टम इसमें लगाया गया है। तो अभी भैया प्रकाश भैया क्या काम कर रहे हो इसके अंदर अभी? और कैमरा। अच्छा, कैमरा इंस्टॉल कर रहे हो, कैमरा कौन से वाला है इसके अंदर? हाँ, कौन सा? मूविंग वाले। अच्छा, मूविंग वाला, ये इसी है। तो फ्रेंड्स अभी देखिए आप इसके अंदर ये स्टीयरिंग रैप का काम स्टार्ट हो गया है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से काम हो रहा है, भैया कर रहे हैं काम। भैया क्या नाम है आपका? हितेश। हितेश, कौन सा कपड़ा होता है ये? ये नापा होता है। नापा होता है ये? अच्छा, नापा होता है। अच्छा, यही मतलब जो अगर हम ऊपर का मॉडल लेते हैं जिसमें कंपनी की तरफ से आता है, ये वही वाला होता है? वही, मिलता जुलता होता है, सेम नहीं होता। अच्छा, सेम नहीं होता, मतलब मिलता जुलता होता है।
अच्छा कपड़ा बढ़िया होता है। अच्छा कपड़ा बढ़िया होता है ये। अच्छा तो कितनी देर में हो जाता है ये काम इसका, स्टेयरिंग रैप का अगर कराते हैं तो? लगभग एक घंटा लग जाता है। एक घंटा लग जाता है मतलब प्रॉपर फिनिशिंग आने में? प्रॉपर फिनिशिंग। अच्छा अच्छा ओके। तो भैया अभी यहाँ पे आप क्या काम करोगे? ये इस पे रैपिंग होगा। अच्छा ये इस पे रैपिंग होगा, कौन सा सीट कवर लगाए वही सेम धागा में कपड़े में, इस पे रैपिंग होगा रेड स्लाइस। अच्छा सर इस पे डैशबोर्ड पे? अच्छा जो ये सीट कवर का कलर है इसी धागे में? अच्छा ब्लैक में। अच्छा ये यहाँ पे काम होगा और ये यहाँ पे साइड में डोर पे? डोर पे कुशन दरवाजा होगा। अच्छा कुशन लगेगा वो, ये भी सीट कवर से मिलता हुआ? इंटीरियर बन रहा है। अच्छा इंटीरियर का काम। तो फ्रेंड देख सकते हैं अभी जो सीट कवर का कलर है इससे रिलेटेड इसका डैशबोर्ड तैयार होगा, उसके यहाँ पे डोर पे कुशन वगैरह लगेंगे, आप देखना अभी फाइनल लुक। फ्रेंड्स देख सकते हैं मैट्रिक्स की लुक कुछ इस तरीके की रहने वाली है। ये बेस मॉडल है, बेस मॉडल के अंदर अगर आप लेते हैं तो बेस मॉडल के अंदर जो वो आता है रिफ्लेक्टर, वो मतलब उस पर लाइट अगर पड़ेगी तो जब ही वो मतलब शाइन करेगा, वरना शाइन नहीं करता। और ये आप देख सकते हैं इसमें जो लगाया गया है ये मैट्रिक्स रिफ्लेक्टर है, कुछ इस तरीके की इसकी लुक आ रही है। अब ये ऑन हो चुका है आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको इसका इंडिकेटर भी चेक कराऊंगा कि किस तरीके की लुक आती है इंडिकेटर के ऑन होने पे। ये इसके दोनों इंडिकेटर ऑन हो चुके हैं, कुछ लुक इस तरीके की आ रही है आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, लुक चेकआउट कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स इंडिकेटर में है आप देख सकते हैं, मतलब ऑन हो रही है तो इसी के साथ ही बिल्कुल मैचिंग में यही ये जो इंडिकेटर है इसके मैट्रिक्स में बिल्कुल सेम बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसके अंदर क्रोम गार्निश का काम हुआ है, अभी क्रोम गार्निश इंस्टॉल कराई गई है इसके अंदर गाड़ी के अंदर, जो कि बेस मॉडल है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था बेस मॉडल के अंदर कोई मतलब क्रोम गार्निश नहीं आती कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे भी देख सकते हैं इसमें मतलब बॉडी कलर मैच में ही है इसका ये डोर हैंडल। ये क्या लगा रहे हो भैया पहले स्टार्टिंग में? प्राइमर। अच्छा प्राइमर, इससे मतलब अच्छा मतलब पकड़ बना लेगा। अच्छा इसमें ये डबल टेप होती है क्या? अच्छा ये कौन से ब्रांड में है? तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये प्रियर ब्रांड में है ये इसका क्रोम डोर कवर। तो फ्रेंड्स फाइनली इसमें क्रोम डोर हैंडल इंस्टॉल हो चुके हैं, अब आप लुक चेकआउट कर सकते हैं गाड़ी की कि कैसी। अभी मैंने आपको पहले इसकी लुक दिखाई थी कि विदाउट क्रोम हैंडल कैसी लुक आती है गाड़ी की, तो अब आप देख सकते हैं अब ये विद क्रोम हैंडल में कैसी लुक आ रही है। लुक काफ़ी इनहेंस हो चुकी है, एग्रेसिव हो चुकी है लुक बाहर से एक्सटीरियर। फ्रेंड्स अब मैं इसका आपको नाइट में लुक चेकआउट करा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसमें जो आइस क्यूब में जो इंस्टॉल कराई गई है कुछ इस तरीके की रहने वाली है आप देख सकते हैं। मैट्रिक्स में कुछ इसका मतलब जो ये ब्लिंक कर रही है आप देख सकते हैं। और अगर जैसे और इसमें जो HID इंस्टॉल कराई गई है, मैं आपको बताया था वीडियो में पहले HID इसमें इंस्टॉल कराई गई है, तो इसका मैं आपको इसका विजिबिलिटी चेकआउट करा देता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि नाइट में इसकी विजिबिलिटी है जो HID इसके अंदर इंस्टॉल कराई गई है आप देख सकते हैं, मतलब नाइट में काफ़ी मतलब ये विजिबल हो गई है, बहुत अच्छी मतलब रोशनी आ रही है इसके अंदर आप देख सकते हैं। भैया इसका वो जलाओ, क्या नाम डीपर जलाना एक बार डीपर, तो अभी इसका डीपर जला रहे हैं भैया, देखना कैसे लुक। ये देखिए करो ऑन ऑफ करो जलाओ, हाई बीम में ना, और अब इसको ना वाइट कर दो इसका जो फॉग लाइट है या इसके वाले देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए आप लुक चेकआउट कीजिए इसकी, अब ये मतलब परमानेंट ऐसी ऑन रहेगी जो इसकी आइस क्यूब वाली फॉग लाइट है, आप नाइट में जब ड्राइव करेंगे गाड़ी को तो ये परमानेंट ऑन रहेगी। और जब आप इंडिकेटर देंगे तो ये उसी साइड का जिस साइड का आप इंडिकेटर देंगे तो मतलब ब्लिंक हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में लुक चेकआउट किया कराया था। देखिए फ्रेंड्स अभी इसके HID और जो फॉग लाइट मैंने ऑन करा के दिखाई दिया आपको अभी नाइट में, तो अभी ऑफ हो चुकी है आप देख सकते हैं, बिल्कुल मतलब अब अंधेरा सा हो चुका है। मैंने अभी आपको ऑन करा के दिखाई थी, अब लुक आप चेकआउट कर सकते हैं मतलब लाइट को ऑफ हो जाने के बाद देख सकते हैं। मैं आपको ये क्रेटा की बेस मॉडल की वीडियो दिखा रहा था, ये मॉडिफिकेशन जितना भी इसमें काम कराया है सर ने, तो सर हैं सामने राकेश जी हैं सर का नाम, तो सर की राकेश जी की जो शॉप का नाम है वो है कस्टम, है ना कार कस्टम, कार कस्टम, कार कस्टम है। सर एड्रेस क्या है आपकी शॉप का? 16/28 है। अच्छा अब्दुल अजीज रोड पे आरआर प्लाजा के नाम से। अच्छा कार कस्टम बिल्डिंग का नाम जो है वो आरआर प्लाजा है, हमारा शॉप का नाम है कार कस्टम। कार कस्टम फोन नंबर क्या है? अब्दुल अजीज रोड पे, अब्दुल अजीज रोड।
ठीक है। फोन नंबर? फोन नंबर भी मेरा है 9717656417। अच्छा ठीक है सर, ये तो बात हो गई। अब आप ये बताइए गाड़ी के अंदर क्या क्या काम कराया है आपने इसके साथ? गाड़ी के अंदर जो हम इंस्टॉल किए हैं सर, अच्छा HID किए हैं। HID मैं जला के दिखा देता हूँ आपको। नहीं वो हो गया, देख लिया, दिखा दिया। हाँ जी, उसके बाद हम ये आइस जो फोग लाइट आते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे फोग लाइट, ये भी हम इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल है और बिल्कुल की बहुत बढ़िया, खराब, इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आता, कभी दिक्कत भी नहीं आता इसके अंदर। अच्छा ठीक है, और उसके बाद जो हम किए हैं, आइए हमको दिखाते हैं आपको। उसके बाद ये देखिए क्रोम हैंडल भी इसके अंदर भी है। ठीक है ठीक है, और ये गार्निश? हाँ बिल्कुल, ये लो विंडो गार्निश है, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं। प्लस आप सीट कवर देखिए, टॉप मॉडल में जो लग के आता है। अच्छा, ये GT लाइन मॉडल वाला है? GT लाइन वाला मॉडल है, जो टॉप मॉडल आता है ना किया सेल्टोस के अंदर, वो सेम हम डालें इसके अंदर। इसका फोमिंग से लेकर के डिजाइन वगैरह जो भी है, बेस्ट क्वालिटी है। क्या बोलते हैं इसको वैसे? इंपोर्टेड लेदर कहते हैं, ओजोन लेदर इसे। इंपोर्टेड लेदर, ओजोन लेदर, ओजोन लेदर कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं भी जो इसको टच कर रहा हूँ, बहुत ही मतलब बढ़िया लग रहा है, मतलब एकदम क्वालिटी, इसकी फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया है और लुक के मामले में भी एकदम नंबर वन लग रहा है। मतलब GT लाइन मॉडल में कन्वर्ट हो रहा है आपका बेस मॉडल, इससे तो अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती वैसे। सर ये बताइए, इसके अंदर जो हम ये परफोरेशन भी दिए हैं इसके, जैसे कि आप देख सकते हैं परफोरेशन है। अच्छा अच्छा, ये जो काम हुआ है, गर्मी के अंदर दिक्कत नहीं आता क्योंकि इसके अंदर एयर पास है, हो जाता है इसके अंदर। अच्छा, तो मतलब एयर पास वाला ये, तो इसके अंदर गर्मी में उतना आपको प्रॉब्लम भी नहीं देगा ये। ओके ठीक है, और ये डबल कलर के अंदर है, ब्लैक है और उसके बाद ये लाइट ग्रे। अच्छा, ड्यूअल टोन में स्टिचिंग रेड है जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा, स्टिचिंग रेड है। जी हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। और उसके बाद जो इसके अंदर की हम ये देख सकते हैं, जैसे GT लाइन के अंदर डैशबोर्ड यहाँ पे पीसेस लगा होता है। अच्छा, और उसके ऊपर जो रेड स्टिचिंग, हाँ, रेड स्टिचिंग होती है GT लाइन मॉडल, उसका काम अभी चालू है, मतलब कि लड़का कर रहे हैं उसके अंदर, जब इसके अंदर फिटमेंट कर देंगे उसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और प्लस साथ में डोर पैनल का भी जो यहाँ पे पीसेस होता है, जिसके ऊपर GT लाइन वाला होता है ब्लैक के ऊपर रेड स्टिचिंग के साथ, उसका भी काम हो रहा है अभी। अच्छा, मतलब टोटल बेस मॉडल को ये GT मॉडल कन्वर्ट किया जा रहा है, बेस मॉडल को हम कन्वर्ट करके GT लाइन मॉडल हम। अच्छा अच्छा सर, एक चीज बताइए, मतलब जैसे न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है और एक डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि हमारी कोई वायरिंग ना कट जाए, मतलब कुछ वारंटी ना लैप्स हो जाए, इस वजह से तो काफी नुकसान हो जाएगा, तो इसकी क्या आप गारंटी देते हैं काम अगर कराते हैं तो? बेस मॉडल गाड़ी आता है जिसके अंदर स्टूडियो इंस्टॉल नहीं होता है, फॉग लाइट नहीं होता है, HID नहीं होता है, यहाँ तक कि यहाँ पे जो भी इसके अंदर वायरिंग का जो काम होता है, जो भी काम होता है, तो हम कपलर टू कपलर करते हैं, एक भी वायरिंग कटिंग नहीं होता है, टच भी नहीं होता है, कपलर टू कपलर हम लगाते हैं ताकि वायरिंग में कोई दिक्कत ना आए, और गारंटी जो होता है वायरिंग का, गाड़ी का गारंटी जो होता है वो कभी भी खत्म ना हो, इसलिए हम टोटल कपलर टू कपलर यूज करते हैं। अच्छा हाँ जी हाँ, ठीक है सर। और क्या काम कराया है? और यहाँ पे कैमरा ना लगा हुआ है। अच्छा, अभी इसको अभी सेट नहीं किया है, अभी ये सेट करेंगे, तो सेट करेंगे तो ये पूरा परफेक्ट फिट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ठीक है, ये कौन सा वाला कैमरा है? ये नाइट विजन कैमरा है, नाइट विजन मूविंग कैमरा है, नाइट विजन। अच्छा, मूविंग कैमरे का बेनिफिट बताइए, जैसे मूविंग और सिंपल, जैसे कि जैसे मोड़ते हैं ना, हाँ जी, जैसे कैमरा भी अपना काम करता है, काम करता है, जैसे लेफ्ट में लेते हैं राइट में लेते हैं तो उसी हिसाब से कैमरा अपना सेट कर रहा है। अच्छा अच्छा, लेफ्ट में लेते हैं तो लेफ्ट में बताएगा, पूरा राइट कर ले तो लेफ्ट। सिस्टम के बारे में बताइए, जो इसमें इंस्टॉल कराया गया है सिस्टम? सिस्टम इसके अंदर जो किया है इंस्टॉल बताइए सर, इसके अंदर सर हम एंड्रॉइड जो इंस्टॉल किए हैं। अच्छा, इसके अंदर पूरा ओरिजिनल फ्रेम के साथ स्मार्ट सोनिक का एंड्रॉइड हम 10 इंचज का इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं, जो बहुत ही बढ़िया, जो कभी हैंग नहीं करता और जो टच वच में प्रॉब्लम आ जाता है, जो काम नहीं करता सही से, तो उसमें इस एंड्रॉइड के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं आने वाला है बिल्कुल। और इसकी वारंटी कितनी देते हैं? 2 ईयर्स का वारंटी है इसकी, वारंटी नहीं है, गारंटी है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो पूरा हम चेंज कर देंगे। अच्छा, तो कोई मतलब कि रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट है, कहीं पे क्या होता है, आप गारंटी आपको मिल जाता है और उसी को खराब होता है तो उसी को सही करके आपको रिपेयर करा के दे देता है, लेकिन हमारे पास नहीं, हमारे पास 2 ईयर का आपको गारंटी मिलेगा रिप्लेसमेंट का, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब कोई भी मतलब इसकी रिपेयरिंग नहीं करेंगे आप? नहीं, रिपेयरिंग नहीं करेंगे, हम पूरा नया पीस लगा देंगे, रिप्लेस कर देंगे। और इसमें रैम वगैरह हार्ड डिस्क कितनी है? 2 और 16 है, 2+16 है, 2+16। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, जो मैं आपको कैसल्टो की वीडियो दिखा रहा था, तो आप देख सकते हैं इसमें ये काम हुआ है जो GT लाइन मॉडल में आता है, ये रेड स्टिचिंग में आप देख सकते हैं। अभी जब पहले खुली हुई थी गाड़ी तो आप लोग आपने चेकआउट किया होगा, तो अब आप देख सकते हैं इसका फाइनली काम कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए लुक कितनी इनहेंस हो रही है, मतलब इंटीरियर में आप देख सकते हैं, देखिए, और जो इसके साइड में जो काम हुआ है, ये देखिए, ये रेड स्टिचिंग में काम हुआ है, तो आप देख सकते हैं अब लुक इससे और भी ज़्यादा इनहेंस हो चुकी है। यही वो काम था जो काम मुझे आपको दिखाना था डोर में, और यहाँ पे तो फ्रंट पे तो बहुत ही अच्छी लुक आ रही है अब।
फाइनली जब ये काम हो चुका है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स ये जो कर्टेन लगाई जा रही है ये कोई सिंपल वाली कर्टेन नहीं है, एकदम बहुत ही बढ़िया नेक्स्ट लेवल कर्टेन है। तो अभी मैं आपको इसका जो फाइनल काम हो जाएगा तो मैं अभी आपको प्रॉपर इसकी फाइनल लुक चेकआउट कराऊंगा। तो मतलब एकदम बहुत ही बढ़िया ये काम हो रहा है इसके अंदर, मुझे भी बहुत अच्छा पसंद आया, तो मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी अपनी गाड़ी में इसको जरूर इंस्टॉल कराऊंगा। तो प्रकाश भैया एक चीज बताओ, मान लिया जैसे अगर हमें इसका शीशा ऊपर करना है और ये हमें नींद लगानी, तो इसका भी दिखाओ क्या कैसे करोगे? अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर? अच्छा थोड़ी हल्की इधर कर दो। अच्छा ये इसको पीछे कर दो तो फिर शीशा ऊपर हो जाएगा। अच्छा फिर ये मतलब शेड नहीं दिखेगी नहीं। तो फ्रेंड देखिए बहुत ही बढ़िया फीचर है ये, आप अगर अपने अकॉर्डिंग अगर आप चाहेंगे इसको मतलब शेड को दिखाना तो दिखा भी सकते हैं, और इसको शीशे के साथ अगर आप दिखाना चाहेंगे कि आप अंदर बैठे हो, आप दिखाओ ना कि हम अंदर बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं और इसको अंदर भी कर सकते हैं, इसे टच कर सकते हैं। अगर इसे टच करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा इसकी शेड जो है, देखिए। तो फ्रेंड्स ये अभी मैंने बस इसी सेल्टोस में ही देख रहा हूँ ये वाला फीचर, मैंने अभी इससे पहले ओडी गाड़ी में देखा था, तो अभी तक तो मैंने देखा नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि आफ्टर मार्केट में ये वाला काम भी हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई सी भी गाड़ी हो, यूनिवर्सल है ना, किसी भी गाड़ी में काम करा सकते हैं ना, हर गाड़ी में कहा था भैया अलग अलग, हर गाड़ी के लिए अलग अलग, मतलब वैसे मिल जाएगा, अवेलेबल है मार्केट के अंदर। जो मैं आपको सेल्टोस की बेस मॉडल की गाड़ी की वीडियो दिखा रहा था, तो सर हैं प्राउड ओनर हैं सर इस गाड़ी के, तो सर बताइए अपना नाम क्या है आपका? मेरा नाम उमा शंकर है। उमा शंकर, अच्छा, और सर आपका क्या नाम है? सूरज तिवारी। अच्छा तो आपकी शॉप का क्या नाम था? कार कस्टम। कार कस्टम, तो सर बताइए आपका मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ भैया की शॉप से, आपने जो काम कराया है इसके अंदर, जो भी आपने मॉडिफिकेशन कराई है? इसलिए मैं गाड़ी परचेज करने से पहले मैं ये सारे इंक्वायरी करके गया था कि इस गाड़ी में अगर हम कुछ पैसे लगा देते हैं तो ये गाड़ी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल की बन जाएगी। अच्छा 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 सर, एक रोक के कहूँगा, एक सेकंड, मास्क थोड़ा उठा लीजिए, आवाज़ अच्छी आएगी। जब मैंने ये काम करवाया तो मैंने काम करवाने के बाद देखा कि रियली हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इन्होंने काम किया है, सामान भी बहुत ही जेन्युइन दिया है, और रेट वाइज भी आई थिंक दैट मार्केट में काफ़ी कॉम्पिटेटिव है। तो क्वालिटी का तो तभी अंदाज़ा लगेगा जब हम इसको यूज करेंगे, लेकिन एक एश्योरेंस इनके तरफ से मिला है मुझे कि अगर इनके 2 साल के अंदर कुछ भी होता है तो हम आगे इसको जो है रिप्लेस ही करेंगे, मतलब ये वारंटी पूरा ही चेंज कर देंगे। मतलब अच्छा कोई रिपेयरिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे? वारंटी नहीं बल्कि गारंटी है, कपड़ा फट जाता है तो हम पूरा ही चेंज कर देंगे। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी ट्रस्ट की बात है कि जो इस तरह से गारंटी दे पा रहे हैं, मतलब उनको अपने काम के ऊपर और अपने सामान के ऊपर दोनों के ऊपर उनको बहुत भरोसा है। So that trust actually attract me to come here, and I suggest that if anybody wants to make over our new brand car, then this is a good destination. So यहाँ पर आ सकते हैं लोग। तो हाँ सही बात है, आप 14-15 लाख की गाड़ी लाएं तो एक विश्वास होता है उसकी कि भाई अगर थोड़ा सा भी कुछ फॉल्ट हो जाए तो प्रॉब्लम आनी आनी है वारंटी पे। उन्होंने कुछ इनोवेटिव चीज दी है जिसकी वजह से मुझे लगा कि दिस इज द बेस्ट, कम पैसे में किफायत में कैसे करके जो है ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी हो सकती है। अच्छा, सो आई एम टोटली सेटिस्फाइड एंड आई विल सजेस्ट, आई विल रिकमेंड इफ एनीबॉडी वांट्स टू मेक द मेकओवर देन दे कैन डेफिनेटली चूज दिस। तो सर आप यहाँ पे कार कस्टम पे मतलब कैसे आए, मतलब कैसे आपको पता चला कि यहीं से आप काम कराना चाहेंगे? एक्चुअली मैं करोल बाग में काफ़ी दिनों से हूँ और मैंने कई शॉप्स में इसके बारे में इंक्वायरी किया था, देन जो रेट वाइज प्लस क्वालिटी वाइज जो मुझे लगा कि इनका जो है रीजनेबल है, प्लस जो इनके बातों से मुझे लगा कि वैसे तो मेरे कई जानने वाले भी शॉपकीपर हैं जिनसे मैं करवा सकता था, बट मैंने इनको ट्रस्ट इसलिए किया तो क्योंकि इनका मैंने यूट्यूब में वीडियो भी देखा था। अच्छा, और उस वीडियो के बेसिस पे मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन आई कैन चूज है, क्योंकि एक ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है, आज तो कोई भी करवा के ले जाए मगर कल की क्या एश्योरेंस है वो इम्पोर्टेंट। सही बात है, आज आज काम करा रहे हैं बहुत अच्छी बढ़िया बढ़िया बातें की जा सकती हैं, कल पता नहीं। तो मैंने जो अप्रोच देखा टुवर्ड्स द कस्टमर, उसका जो इंटरटेनिंग उनका जो है वो काफ़ी अच्छा है, वो संवेदनशीलता के साथ लोगों को इंटरटेन करते हैं और अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो उसको फिर जो है वो रिजॉल्व भी करते हैं। सो दिस अप्रोच एक्चुअली कस्टमर फ्रेंडली है, साथ ही कुछ अगर समस्या आती है भविष्य में तो उनका ये एश्योरेंस हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रस्ट का विषय है, और मैं चाहूँगा कि इस ट्रस्ट को डेफिनेटली ये ऑनर करें और जिसके वजह से इनकी जो है लोकप्रियता बढ़े और बिजनेस भी बढ़े। डेफिनेटली आई विश हिम फॉर ऑल द सक्सेस इन द बिजनेस। थैंक यू बोल दो सर को। थैंक यू। अच्छा सर एक चीज बताइए, आपने ये सेल्टोस जो परचेज किया है, मतलब इसका पर्पज क्रेटा पे क्यों नहीं गए आप, सेल्टोस ही क्यों ली?
सेल्टोस बेसिकली किस वजह से पसंद आई ज्यादा? अगर कार की डिजाइनिंग आप देखते हो या फिर कार की लुक आप देखते हो, फिर रोड प्रेजेंस अगर आप देखते हो तो डेफिनेटली, और फीचर्स भी देखते हो कि बेस मॉडल में जो फीचर्स हैं, इफ यू कंपेयर विद अदर कार, कॉम्पिटिटिव कार लाइक क्रेटा एंड अदर्स, देन डेफिनेटली ये कार सुपीरियर है जो पैसा आप पे करने जा रहे हो। दूसरा बात यह है कि जनवरी 2021 में सभी कारों ने अपने अपने दाम बढ़ाए, बट डेफिनेटली इस कार का कोई रेट नहीं बढ़ाया। अच्छा, वही दिस इज वन मोर एडेड एडवांटेज, इवन दो आई हैव बुक दिस कार प्रायर टू दैट, बट ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि अगर कार में अगर 5,000 भी बढ़ता है और 1,000,000 से ऊपर जाता है तो डेफिनेटली TCS लगा करके इसमें जो कार की ओवरऑल प्राइसिंग जो है 70,000 से 80,000 बढ़ जाती है। तो दिस कैन बी अ वन मोर एडेड फीचर फॉर दिस कार, दिस कार एंजॉय दिस फैसिलिटी दैट विद इन, मतलब लास्ट ईयर का जो रेट था उसी रेट में इस साल भी ये उपलब्ध है। तो सर आपने जितनी भी मॉडिफिकेशन कराई है आपका समथिंग अप्रोक्स कितना टोटल एक्सपेंस हो चुका है इसके अंदर, कितना खर्चा हो गया है गाड़ी के अंदर? देखिए ये चीजें कहने की नहीं होती, डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि जो काम करवाया है वो डेफिनेटली दो मॉडल ऊपर का काम हो गया। अच्छा, मतलब एक टोटल अमाउंट हमसे हम पूछना चाहेंगे। 50 से 60,000 रुपए मेरे खर्च हुए हैं। 50 से 60,000 रुपए आपके गाड़ी के अंदर खर्च हो चुके हैं। अच्छा, रीजनेबल भी है, आप देखो 11,000 का कार है ऑल टुगेदर, और 50,000 और जोड़ देते हो तो 1156 में आपको वो चीज मिल रही है जो कि 1256 या 1350 में मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू सर।